सो अल्वियोलाई इज कंपोज ऑफ टू लेयर, तो जिनमें से द फर्स्ट वन, द जो फर्स्ट वाला लेयर होगा, मतलब जो आउटर लेयर होगा किसका, अल्वियोलाई का, दैट इज कंपोज ऑफ, आउटर लेयर इज कंपोज ऑफ, हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म भी पढ़े हैं इनको, हमने कहा था YFCT, इसका फुल फॉर्म येलो फाइब्रस कनेक्टिव येलो टिश्यू। अच्छा, जो उसका द इनर लेयर ऑफ द एल्वियोलाई दैट इज कंपोज्ड ऑफ, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कोई दिक्कत है पार्वती, है तो बोल दो, शक्लों से लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। यस नाइस। बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ये जो स्क्वेमस सेल्स हैं, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्क्वेमस, स्क्वेमस मतलब चिपटा, वैसे ही चिपटा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, सामने से एक बहुत बड़ी ट्रक आ गई और आपको स्क्वीज करता हुआ चला गया, तो जो आपका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट रहेगा ना, इसको बोलते हैं स्क्वेज, उसी को बोलते हैं स्क्वेमस, हाँ कि ना, क्या बोलते हैं, स्क्वेमस बोलते हैं, हाँ कि ना। सो स्क्वेमस सेल्स ऑफ अल्वियोलाई आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनोसाइट्स बोलते हैं, क्लियर, बोलो ना, निमोनोसाइट्स, कोई दिक्कत नहीं सर। बेसिकली अगर बारे में हम बात करें तो ये आपको दो टाइप का मिलेगा, टाइप वन एंड टाइप टू। जो मोस्ट ऑफ द निमोनोसाइट होता है वो टाइप वन होता है, और विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गॉट माई पॉइंट, अरे हाँ के ना। हाँ, जो आपके पास निमोनोसाइट्स हैं, सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड झील है ना, मुझे मालूम है, हो गया। सो दिस न्यूमोसाइट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है टाइप वन, एक होता है टाइप टू, कोई दिक्कत, टाइप वन एंड टाइप टू, किसी को दिक्कत है ना, बोलो, नहीं सर। इसमें जो मोस्ट ऑफ दीज न्यूमोसाइट होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज आर टाइप वन, और काम किस में, क्या काम करता है, हेल्प इन गैस एक्सचेंज, यस और नो, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, कोई दिक्कत है, अरे बोलो, नहीं सर, आगे बढ़ो, वाइल जो रेस्ट होता है, फ्यू आर टाइप टू, क्लियर है, जो कि साइज में लार्जर होता है, लार्जर इन साइज, क्लियर, यस सर, यस सर, हाँ,
इसका कुछ काम होता है। मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। डू इट फास्ट। सो जो ये जो पार्ट है जो टाइप टू वाला निमोसाइट्स है, मैंने क्या बोला, साइज में लार्जर होता है, इट सेक्रेट, केमिकल का नाम है लेसिथीन। क्या नाम है? लेसिथीन। और लेसिथीन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है। क्या है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। क्लियर है सर? एक बात पूछना था। क्या पूछना है सर? ये जो लेसिथीन है, ये फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? बेसिकली इट एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट। आपने नाम सुना कभी इन बेचारों का? नहीं। बताते हैं क्या होता है। इसमें लिखते हैं एक्ट्स एज सर्फेक्टेंट, जो कि अल्वियोलाई के सरफेस में प्रेजेंट होती है। हाँ कि ना? हाँ। काम क्या होता है कि कोलैप्स होने से बचाता है। यस, विच प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग। कैसे वो भी देखते हैं। प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ अल्वियोलाई ऑफ alveoli by reducing its surface tension। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Reducing its surface tension। जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो क्या वो कोलैप्स हो पाएगा, क्या वो विल्ड कर पाएगा, मतलब मुड़ पाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? सरफेस टेंशन क्या है? एक टाइप ऑफ फोर्स है क्या? यस। अरे टेंशन क्या होती है? एक टाइप ऑफ फोर्स है जो कि सरफेस पे, सरफेस के अलोंग लगता है क्या? हेलो, जैसे स्ट्रिंग फोर्स है, वो क्या है? फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स बोलो। हाँ, तो वैसे जो सरफेस पे जो फोर्स लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। वो होगा तो वो कोलैप्स हो पाएगा। अगर उसको ही कम कर देगा, जो जड़ है, अगर प्लांट का जड़ ही काट दें तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पर वो कोलैप्स नहीं कर पाएगा। हाँ कि ना? तो ये सर्फेक्टेंट लेसिथिन कोलैप्स होने से बचाता है किसको? अल्वियोलाई को। कोई दिक्कत है? हेलो। अगला पॉइंट डाल के इसमें लिखिएगा, अगला हैशटैग डाल के लिखिएगा कि जो इंटरनल सरफेस होता है एल्वियोलाई का, कौन सा? इंटरनल नल सरफेस एल्वियोलाई होता है किसका? सरफेस का। Is called respiratory या respiratory surface। हाँ काकड़े जी, समझ में आ रहा है? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ कि ना? और ये जो internal surface है, basically it is derived from endoderm। Derived from एंडो डर्म। कोई दिक्कत? नहीं सर। और एल्वियोलाई में जो डस्ट क्या बोलते हैं, जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं, अरे फेगोसाइटिक सेल तो हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए ना, ताकि जो भी अगर हार्मफुल माइक्रोब्स पहुंच जाए उनको फेगोसाइट्स के थ्रू उसको खत्म कर दे। हाँ कि ना? तो ऐसा करने की वजह से, ऐसा करने की वो करने की वजह से वहां पर क्या होता है, फेगोसाइटिक सेल होता है, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट सेल बोलते हैं। क्लियर? यस यस। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या?
मैं इसी में लिख देता हूं फेगोसाइटिक सेल इन अल्वियोलाई आर कॉल्ड डस्ट सेल्स। आर कॉल्ड डस्ट सेल्स। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ूं। हेलो एक मैं फिर बता रहा हूं द फेगोसाइटिक सेल्स को डस्ट सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स को जैसे कि डस्ट वगैरह है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है इनको रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लियर। कहाँ पे? रेस्पिरेटरी सरफेस पे। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड दैट कुछ आप स्टार पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा। जो आपके पास मैमेलियन लंग्स हो वर्टिब्रेट्स में और अलग अलग जो नेक्स्ट हम स्पेशली मैमल्स फिर स्पेशली कभी ह्यूमन के बारे में यहाँ पे ऐसे लिखिए मैमेलियन जो लंग्स होता है और स्पॉन्जी होता है। Yes or no, ये नीट में पूछा गया है मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी। हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है। यस आर सॉलिड एंड कोई दिक्कत इसमें कोई सेंट्रल कैविटी नहीं होती जैसे अदर ऑर्गेन्स में होता है ना कैविटी इसमें नहीं पाई जाएगी। नो सेंट्रल कोई दिक्कत। एक और पॉइंट खास तौर से इसमें लिखिएगा जो अच्छा ये बताइए जो मैमल है क्या मसल्स होते हैं। हेलो आवाज आ रही है आर यू हियरिंग मी एवरीवन। सर आपकी आवाज लैग हो रही थी। नाउ क्लियर। यस सर। मसल्स आर अब्सेंट इन लंग्स ऑफ मैमल्स। क्लियर। जब मसल्स नहीं है इफ देयर इज नो मसल्स then is there is any possibility of getting self contraction and self relaxation yes or no। मतलब muscles का ही काम होता है आप जो भी movement जो भी हरकत जो भी activity आप you are doing all these are due to because you have muscles। the place where you have no muscles there is no contraction and no relaxation। for example आप अपने hairs को ले सकते हैं क्या आपके hairs अपने आप contract या अपने आप relax करता है yes or no। किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर कभी कभी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। रोंगटे खड़े होने का मतलब कि जो गूज हेयर्स है जो आपके स्किन में हेयर्स है वो कभी खड़े होते हैं। तो बेसिकली वो हेयर अपने आप खड़ा नहीं होता है जो उनके बेस पे जो वो मसल्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इरेक्टर मसल्स। इनकी वजह से क्या होता है उनको कॉन्ट्रैक्ट उनके बेस के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो हेयर्स खड़े होने लगते हैं। आके ना बस समझ में आ रही है। सो द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपेंशन सेल्फ
एक्सपेंशन इज अब्सेंट. क्लियर है? इन दीज लंग्स. इसीलिए ऐसे लंग्स को कौन सा लंग्स बोलते हैं? एनीवन? सो कॉल्ड सकन लंग्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेलो, सकन लंग्स. सकन लंग्स. यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट बात करें हम लोग थोरेसिक केज के बारे में. तो इन केस ऑफ थोरेसिक केज इसमें कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन, मुझे बताएगा, बताओ तो जल्दी बोलना. टेल मी. स्टर्नम, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. जो बैकबोन है, कवरिंग ऑफ थोरेसिक कैविटी. ये क्या बनाता है? थोरेसिक केज बनाता है. क्लियर? इसका अगर हम लोग एंटेरियर सरफेस के बारे में बात किया जाए, कौन सरफेस? एंटेरियर सरफेस. तो एंटेरियर का मतलब क्या? आगे होगा, ऊपर. आगे और ऊपर, हाँ के ना. इसमें कौन सा आएगा? इसको बोलते हैं क्लेविकल. क्लेविकल को हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इन केस ऑफ वुमेन, हाँ कि ना? यस यस. इसमें नेक भी आएगा. अरे नेक तो नहीं छोड़ोगा ना, ये भी तो पूछता है, केज के अंदर आएगा. यस और नो? मतलब केज को बनाने में हेल्प करेगा. जब एंटीरियर सरफेस है तो पोस्टीरियर सरफेस भी होगा. अरे होगा कि नहीं होगा? जब एंटीरियर सरफेस है तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि वहां पर क्या होगा? पोस्टीरियर सरफेस होगा. यस और नो? तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या होगा? डायफ्राम. इज इट राइट? हेलो, डायफ्राम होगा कि नहीं होगा बोलो. नेक्स्ट आपके पास डोर्सल सरफेस. क्या है? डोर्सल सरफेस. तो डोर्सल सरफेस में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा कि नहीं होगा? यस. और रिब्स. और रिब्स भी होगा. वी हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स वी हैव? एनीवन? 12 पेयर ऑफ रिब्स. ओके. वेंट्रल सरफेस, इसमें आएगा स्टर्नम. स्टर्नम को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन. ओके. वेंट्रल सरफेस, द स्टर्नम, द फ्लैट बोन जो आपको रिब्स को फ्रंट साइड से जोड़ता है. क्लियर? तो ये हो गया वेंट्रल सरफेस में स्टर्नम हो गया और रिब्स हो गया. लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होगा? लेटरल सरफेस में क्या प्रेजेंट होगा? एनीवन? अरे बोलो ना. रिब्स होगा. क्या यहाँ तक ये बात सबको समझ में आई या किसी को कोई दिक्कत है समझने में? तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये थोरेसिक कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. क्लियर है? जब जब ये बेसिकली क्या है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम है तो डोर्सल साइड से इस तरीके से अटैच होगा, हाँ कि ना? ये भी लेटरल है, ये भी लेटरल है, ये एक तरफ का लेटरल है. मतलब कैसे कह सकते हैं कि आपका लेफ्ट साइड का लेटरल साइड ये हो गया और राइट साइड का लेटरल साइड ये हो गया. मेरी बात समझ में आई क्या? कुछ इसी तरीके से यहाँ पर फ्लैट बोन भी होता है, दैट इज द चेस्ट बोन और द ब्रेस्ट बोन. तो कुछ इस तरीके से इधर कनेक्टेड होगा, उस तरीके से इधर कनेक्टेड होगा, हाँ कि ना? अरे बोलो ना. अरे कनेक्टेड होगी कि नहीं होगी?
और मिलकर के कर्व होकर के कहाँ आएगा, आगे जाके जो आपका स्टर्नम है वहां से जुड़ जाएगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कुछ इस तरीके से एयर बाहर जाए, मतलब क्या बोलेंगे, इनका जो वॉल्यूम है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, जिनकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एयर अंदर आएगा। बस समझ में आई। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये रिलैक्स करेगा। देखो इंस्पायरेशन इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, वहीं पर रिलैक्सेशन पे एनर्जी नहीं लगती, वो अपने आप रिलैक्स हो जाता है। बस समझ में आई। अरे बोलो ना। यस हाँ। सो मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक तो लिखिए डायफ्राम। डायग्राम नहीं, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? बेसिकली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, खास तौर से कहां पर, मैमल्स और क्रोकोडाइल में, और इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। आपने वहां पर पढ़ा होगा कहां पर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, खास तौर से मस्टर्ड के जो फ्लावर होते हैं, जो मस्टर्ड के सब सीड होता है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरीके से लेयर्ड होती है, क्या होती है ऐसे करके, अरे उसकी जो फ्रूट ऐसे तो होती है, होती कि नहीं होती? इधर क्या है आपके पास, सीड है, अरे है कि नहीं बोलो? ऊपर वाले अपर सेट ऑफ सीड्स और लोअर सेट ऑफ सीड्स, बीच में एक पतली सी ट्रांसपेरेंट और वी कैन से व्हाइटिश लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का काम होता है कुछ कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। क्या करना? कुछ कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। तो वही पर बेसिकली यहाँ पर डायफ्राम का काम क्या है, जो एब्डोमिनल कंटेंट है और जो चेस्ट कंटेंट है, दोनों को क्या करता है, सेपरेट रखता है। बात समझ में आ रही है। उसमें लिखेंगे हम लोग मस्क्यूलर, कौन सा क्यूलर, मस्क्यूलर सेप्टम, प्रेजेंट और वी कैन से फाउंड फाउंड ओनली इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। क्लियर है? इसका अगर नॉर्मल शेप की बात करूं, नॉर्मल शेप की बात करूं, कैसा होता है, डोम शेप का होता है, यस और नो? गुंबद आपने देखा है कि मंदिर या मस्जिद वगैरह में जो गुंबद टाइप का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोम शेप्ड बोलते हैं। क्लियर बेटा? वेट अ मिनट, आवाज आ रही है? तो बेसिकली डायफ्राम का नॉर्मल शेप की बात करें तो डोम शेप का मतलब जो मंदिर या मस्जिद जो मोमेंट, फॉर सिंपल सा एग्जाम्पल ताजमहल का जो उसका जो शेप बना हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, डोम का बोलते हैं। क्लियर है? अरे बोल। सेट डेट डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है लेयर, या सेप्टा का मतलब भी आप ऐसे समझने के लिए बोल सकते हैं, इट इज लेयर। सेप्टम का मतलब भी होता है लेयर जो कि सेपरेट करता है कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स को, जो कि सिर्फ यहाँ पे मस्कुलर सेप्टम मतलब डायफ्राम सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल और मैमल्स में ही मिलता है। शेप में कैसा होता है, डोम शेप होता है, मतलब गुंबद शेप का होता है, आगे ना, बेसिकली विच डिवाइड्स द बॉडी कैविटी, ये सुन लो, विच डिवाइड्स बॉडी कैविटी into two part, clear? एक तो अपर पार्ट होगा, बोलो ना, हेलो, एक अपर पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी बोलेंगे,
अरे हाँ कि ना, या फिर चेस्ट कैविटी बोलेंगे, यस और नो? एक होगा लोअर पार्ट, क्या होगा लोअर पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी, क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में थोरेसिक कंटेंट होगा, एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल कंटेंट होगा। क्या सबको मेरी बात ये क्लियर है या कुछ और भी समझाना पड़ेगा? यस yes. और ये जो डायफ्राम है आपके पास, इसमें कुछ रेडियल मसल्स प्रेजेंट होता है, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यस और नो? तो बाय कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल्स डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटन हो जाता है, यस और नो? जिनकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाती है, यस और नो? अगर आप इतना सामने लिखा, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ू? हाँ, अगर हम लोग इसका मसल्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल जो आपका डोम शेप लेयर होता है, कुछ ऐसा होता है, हाँ कि ना, जिसमें कुछ रेडियली इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होती है, हाँ कि ना? जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये एरिया ऊपर जाएगा या ये एरिया नीचे आएगा? नीचे। जब ये नीचे आएगा तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्या सबको ये क्लियर है? हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्या कि डायफ्राम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों होता है? तो इनके लिए कुछ इसके पास स्पेशल मसल होता है, इनको बोलते हैं रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट इन डायफ्राम। क्लियर? बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दीज मसल्स डायफ्राम फ्लैट हो जाती है। मतलब कुछ इस टाइप का था तो कुछ इस टाइप का हो जाता है। ऑब्वियसली जो ये वाला एरिया, जो वॉल्यूम ये ऐसे बाहर था, वो अब अंदर, ये अंदर वाले एरिया में चला जाएगा। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? अभी हम लोग देखेंगे इसका कैसे बढ़ता है। तो मैंने बोला बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल्स क्या होता है? डायफ्राम डायफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड। डायफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड इन शेप। सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस किस तरीके से, किस किस एक्सिस पे बताइए? एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस। अरे बात समझे क्या? अगर मैं आपको समझाऊं, बेसिकली एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस का मतलब क्या होता है? जो आपका यहाँ पर क्या है, जो चेस्ट कैविटी है, क्लियर है? जो लोअर पार्ट ऑफ रिब्स है, यहाँ पर क्या होती है? डायफ्राम होती है। तो जब डायफ्राम नॉर्मली रिलैक्स फॉर्म में होती है, जब आप इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे आती है, तो ऊपर मतलब एंटेरियर और पोस्टेरियर एक्सिस में इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है,
और आपका जो इंटर मतलब कुछ कोस्टल मसल्स है, इंटर कोस्टल मसल, इंटरनल वाला और एक्सटर्नल, इन दोनों की वजह से आउटवर्ड मूवमेंट होती है किसकी, आपका रिब केज का, जिनकी वजह से डोर्सो वेंट्रल ये भी वॉल्यूम बढ़ जाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ये भी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो फाइनली क्या होता है, चेस्ट कैविटी का या फिर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिनकी वजह से हम लोग इंस्पायरेशन कर पाते हैं। और ड्यूरिंग रिलैक्सिंग ऑफ दिस मसल्स क्या होता है, बोलो, वॉल्यूम घट जाती है, मतलब एयर अपने आप बाहर चली जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे समझ में आई क्या, कोई दिक्कत? यहां तक सबने लिखा? हेलो, हाँ सर, हाँ। मतलब हम लोग इसका डायग्राम अच्छे से कब समझेंगे, जब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, समझ रहे हो? आगे बढ़ू? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इंटरकोस्टल मसल्स, जो अभी हम लोगों ने पहले कुछ देर पहले पढ़ा था ना, रिब्स के बारे में, ऐसे करके कुछ था आपके पास? था कि नहीं था बोलो ना। तो ये आपस में ना कुछ मसल्स होती है, जब आपने चेस्ट केविटी को रिब केज को टच करेंगे, तो जब आप दोनों रिब के जो अलग अलग जो टच करेंगे, तो वहां पर कुछ आपको मसल्स दिखेगा, हाँ कि ना। तो मसल्स भी अलग अलग तरीके से अरेंज होती है, अरे बात समझ रहे हो क्या, वो भी एक अलग अलग तरीके से अरेंज होती है, और वो इस तरीके से अरेंज होती है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, इसमें है या नहीं है, मैं बता, एनसीईआरटी में होगा शायद, हाँ, मतलब कुछ इस तरीके से ये अटैच होती है, मतलब एक का लिंकिंग दूसरे के इस तरीके से, मतलब यहाँ से निकला, इसको ऐसे रैप किया, ऐसे करके रैप किया, और ये ऐसे करके रैप किया, हाँ कि ना। तो सारे मसल्स इस तरीके से ऊपर वाले का नीचे वाला और नीचे वाले का नीचे वाला इस तरीके से मिल करके ये रैप्ड होती है, इसको अलग अलग टाइप से बोलते हैं। ये होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होता है जो बाहर से बाहर बाहर रैप करती है, इसको बाहर से बाहर बाहर रैप करेगी, बाहर से बाहर बाहर रैप करेगी, मतलब इसको लपेटेगा, रैप का मतलब लपेटना, राउंड करेगा, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दो टाइप का होता है, एक इंटरनल वाला होता है, एक एक्सटर्नल वाला होता है। क्या मेरी बात सबको ये सारा समझ में आई, यस और नो? यस। सराउंड से कोई आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो, इंटरकोस्टल मसल्स, दैट इज इन शॉर्ट, इनको हम लोग बोलेंगे ICM, क्या बोलेंगे, ICM। याद रखने के लिए, मैंने CM देखा, अरे हाँ कि ना, क्या देखा, CM। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्पेस बिटवीन टू रिब्स इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, था ना, तो स्पेस को क्या बोलेंगे, स्पेस को क्या बोलेंगे बोलो, स्पेस बिटवीन टू रिब्स, जो वहां पर मसल्स थे, हम लोगों ने क्या बोला, इंटरकोस्टल मसल्स बोला, जब दो रिब के बीच में स्पेस हो गया, तो क्या, किसको क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, इस बात पे तो आपने हाँ कह दिया, अगले वाले बात पे हाँ कहते हैं ना कहते हैं वो मैं सुन लेता हूँ। जब इंटरकोस्टल मसल्स में जो स्पेस में जो मसल्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स, हाँ, दो रिब के बीच में जो स्पेस था, हमने बोला इंटरकोस्टल स्पेस, जो मसल होगा उसको बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स, यस और नो? ऐसा लिखिए यहाँ पर, इन विच आईसीएम आर प्रेजेंट,
जो कि दो टाइप्स का होता है। क्लियर, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। सर क्या बात करते हैं, हाँ बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल आईसीएम, इन शॉर्ट इसको हम लिखेंगे ईआईसीएम। क्या लिखेंगे? ईआईसीएम। नेक्स्ट वाला होगा इंटरनल, इंटरनल आईसीएम, इंटरनल आईसीएम। तो क्या है, क्या मैं सब बोल सकता हूँ क्या? आईआईसीएम बोलो। हाँ सर। आईआईसीएम मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे समझा क्या? हाँ सर समझा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? Yes. पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल वाला पार्ट, उसमें नेक्स्ट लिखिएगा ई आई सी एम करके। ए आई मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है? सो बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल्स रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन, यस और नो? शिफ्ट बोलो या लिफ्ट बोलो, शिफ्ट्स अपवर्ड मतलब वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रली बढ़ेगा, हाँ कि ना? अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल पूछ जाएगा कि ई आई सी एम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ई आई सी एम। तो ऐसा पॉइंट्स को स्टेटमेंट को देखते हुए आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये भी सवाल बन सकता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से होता है, क्या बोल सकते हो? तो इट इज ई आई सी एम और आई सी एम, आई आई सी एम, हाँ ई आई सी एम। सो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। सो दिस इज हाउ दे हेल्प इन, सो दिस इज हाउ they help in inspiration, inspiration का मतलब क्या? inhalation, yes or no? yes sir. मतलब ऐसा बोल सकता हूँ inhalation, कोई दिक्कत? nice sir. पक्का?